नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम मैथ्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे, नाव और धारा के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक के पिछले क्लास पर आधारित है। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन देखा था, उससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस देखा था। तो अगर आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस टॉपिक में भी आप लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो ये मैथ्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब दोस्तों हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर बोट की चाल बोला जाए या कोई ऑब्जेक्ट की चाल या किसी पर्सन की चाल के बारे में बात किया जाएगा तो वो एक्स मान लीजिएगा, ठीक है, और वहीं पे आपको बोला जाएगा। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, मान लीजिए स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम हो गया या फिर वाटर हो गया, पानी की चाल बोला जाएगा, धारा की चाल बोला जाएगा, तो उसको वाई मान लीजिएगा। मान लीजिए पानी ऐसे ऐसे है ना, इस पर एक नाव जा रहा है, तो पानी का बहाव किसी डायरेक्शन में तो होगा, पानी का बहाव इस डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि नाव भी इस डायरेक्शन में जाएगा, तो पानी के बहाव के डायरेक्शन में अगर नाव जाता है ना तो क्या होगा कि जो बोट होगा वो तेजी से जाएगा, स्पीड उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो विथ स्ट्रीम क्या हो जाता है, विथ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम में विथ स्ट्रीम, स्ट्रीम को क्या बोला जाता है, धारा बोला जाता है। विथ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई हो जाएगा, मतलब बोट की चाल प्लस में धारा की चाल को प्लस कर देंगे। और अपोजिट टू स्ट्रीम, अपोजिट टू स्ट्रीम, अपोजिट टू स्ट्रीम, धारा उल्टी दिशा में है और नाव आपका विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि नाव का चाल माइनस में क्या हो जाएगा, धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये किलोमीटर पर आवर या फिर जिस भी यूनिट में दिया होगा उस यूनिट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग काम कीजिएगा, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, ठीके? आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर वन को, टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया है कि एक नाव धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति आवर और धारा के विरुद्ध गति 6 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब धारा के साथ और धारा के विरुद्ध दिया हुआ है। तो मान लीजिए U दिया हुआ है, U मान लीजिए पहला, तो U दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति आवर और V दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाव की शांत जल में गति बताना है, मतलब नाव की गति बताना शांत जल में। तो अगर बोट का पूछा जाएगा या पर्सन का पूछा जाएगा या किसी ऑब्जेक्ट का पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, यू और वी को ऐड कीजिएगा और दो से भागा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 प्लस में 6 कीजिएगा, 12 प्लस में 6 भागे में 2 दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 18 बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति आवर। अगर मान लीजिए कि स्ट्रीम का पूछा जाता तो क्या होता, यू माइनस में वी होता, ज्यादा में से कम को घटाते, दो से भागा देते, हम लोग का वहां भी आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों हमने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अपोजिट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, एक नाव धारा के साथ है 12 किलोमीटर प्रति आवर, धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति आवर है, मतलब एक दूसरे का ये अपोजिट है। तो धारा की गति बताए, मतलब स्ट्रीम की गति बताना है, मतलब बहाव का गति बताना है। तो यहाँ पे ज्यादा में से कम को घटा लीजिए, अब ज्यादा कौन है, 12 माइनस में 8 हो जाएगा, तो 12 माइनस में 8 हो जाएगा, यू माइनस में वी हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बटे में 2 हो जाएगा, मतलब ये गति कितना निकल जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू भी हमने तुरंत बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन के पास चलते हैं और टाइप टू है ये, क्वेश्चन नंबर तीन टाइप टू, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन टाइप टू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति पानी के प्रभाव के साथ 28 किलोमीटर जाने में 5 घंटा लेता है तथा प्रभाव के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटे का समय लेता है, ठीक है, दोनों जगह 5-5 घंटे का समय लेता है। तो पानी की प्रभाव की गति निकालें, मतलब पानी के बहाव की गति आपको निकालना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ अलग है तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। सबसे पहले वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, क्योंकि इसमें आपको क्या दिया है, यू और वी डायरेक्ट नहीं दिया है, यू और वी आपको निकालना होगा, ठीक है, तो यू और वी निकालना होगा। तो अगर हम लोग निकाले यहाँ पे तो यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 28 बटे में 5, 5 घंटे, 5 घंटे का समय लेता है 28 किलोमीटर जाने में, 28 बटे में 5, और वी क्या हो जाएगा,
बहाव के विरुद्ध, मतलब वी हो जाएगा, वी इक्वल टू में 13/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यू माइनस वी, मतलब हम लोग को क्या निकालना है, स्पीड निकालना है पानी का, मतलब वाटर का स्पीड निकालना है, पानी के बहाव की गति निकालना है, यही बोला गया ना कि पानी के बहाव की गति निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, 28/5 माइनस में क्या हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 15/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15/5, और इसके बाद बटे में 2 होता है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 5 × 15 होता है, मतलब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे U क्या हो जाएगा, U क्या हो जाएगा 48/4 हो जाएगा, 4 घंटे में तय करता है, तो U निकाल लिया हमने, 12 निकल जाएगा, 12 × 48 होता है, 12 बार में कटेगा। और V भी ऐसे ही निकालेंगे, V विपरीत में लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर की दूरी वह 5 घंटे में तय करता है, तो V इक्वल टू में 5 × 30/5 हो जाएगा, मतलब ये कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, ये कितना निकल जाएगा 6। अब हम लोग से क्या पूछा गया है कि नाविक की शांत जल में गति बताएं, मतलब बोट के बारे में पूछा गया, पर्सन के बारे में पूछा गया, तो ये क्या हो जाएगा 12+6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 12+6 2, अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 1 में सेम क्वेश्चन, तो 18/2 हो जाएगा, मतलब 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हुए टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 टाइप 3 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव की धारा के साथ गति कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर, और धारा के विरुद्ध की गति 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के नाव की धारा के विरुद्ध गति निकाले, फिर से देखिएगा, एक नाव की धारा के साथ दिया हुआ है, और यदि धारा की गति दिया हुआ है 1.5, तो ये क्वेश्चन दोस्तों और भी ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसमें हम लोग को पता है, शुरुआत में मैंने आप लोग को बताया था, हम लोग इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को इसमें क्या करना है देखिएगा, एक नाव के धारा के साथ गति, शुरुआत में मैंने बताया था कि नाव के धारा के साथ गति क्या होता है, x + y = 15 हो जाएगा। अब धारा की गति यहाँ पे दिया हुआ है, धारा की गति कितना है 1.5 है, इक्वल टू में 15 हो जाएगा, मतलब x = क्या हो जाएगा 13.5 हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा किलोमीटर। देख सकते हैं यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, केवल जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था शुरुआत में, बस उसको यूज कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 13.5 x निकल जाएगा, y 13.5 क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, 13.5 क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब आखिरी में पूछा गया है, तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताएं, तो धारा के विरुद्ध गति क्या हो जाएगा x - y। अब ये x निकल गया और y निकल गया, तो धारा के विरुद्ध गति पूछा गया है, तो धारा के विरुद्ध गति क्या हो जाएगा नाव का, वेलोसिटी लिख लीजिए, तो मैंने बताया था x - y होता है, तो यहाँ पे 13.5 और माइनस वन पॉइंट फाइव, तो यहाँ पे v इक्वल टू में क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी बना लिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग से लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो नाव की धारा के विरुद्ध गति बताए, नाव के धारा के विरुद्ध गति बताए, तो वो क्या होता है x - y होता है, तो x और y पहले निकालना था, और धारा के साथ की गति दिया हुआ था, ठीक है, तो दोनों हमने निकाल लिया, धारा के साथ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक नाव की धारा के साथ है गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के साथ की गति दिया हुआ है, मतलब x + y, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में नाव की गति बताए, तो शांत जल में नाव की गति बताना है, तो यहाँ तो सीधा x निकाल देना है, बस काम खत्म हो जाएगा, केवल x निकाल देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, धारा के साथ गति, मतलब x + y दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, x + y कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा 12 दिया हुआ है।
और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है कि यदि धारा की गति, तो वाई क्या होता है, धारा की गति होता है, तो वाई का वैल्यू दिया हुआ है चार, तो एक्स प्लस में चार इज इक्वल टू में 12, मतलब एक्स इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि 8 किलोमीटर पर आवर एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 4, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 4 में क्या दिया हुआ है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 टाइप 4, यहाँ पे पूछा गया कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है और धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों कंडीशन में बराबर है, मतलब D1 = D2। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की गति दिया हुआ है तो धारा की गति निकालना है, मतलब वाई आपको निकालना है, पानी के बहाव की गति को निकालना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, एक्स बटे में वाई, अब एक्स वाई आप लोग को पता है कि एक्स वाई क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स बटे में वाई, और यहाँ पे जो समय होता है ना उसका योग ले लेंगे, मतलब T1 + T2 हो जाएगा, T1 + T2 हो जाएगा, सबसे ये आसान तरीका है, और T1 - T2 हो जाएगा, ज्यादा में से कम को घटा दीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा में से कम को घटा दीजिएगा, T2 - T1 हो जाएगा, या T1 जो भी होगा ज्यादा में से कम को घटा दीजिएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5, और यहाँ पे वाई निकालना है आपको, और टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 घंटा 7 घंटा, मतलब 3 + 7, 3 + 7 और 7 - 3, ज्यादा में से कम को घटाना है। तो यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 / y लिख लेंगे, 5 / y लिख लेंगे और नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, अभी स्पेस है हम लोग के पास, तो 5 / y हो जाएगा, और यहाँ 10 / 4 हो जाएगा, 10 / 4 हो जाएगा, 5 दुना हो जाएगा, 2 से 2 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा, हो रहा होगा, तो 2 से 2 बार में कटेगा, वाई इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, और यही हम लोग को निकालना था, धारा की गति को निकालना था। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से बना लिया हमने ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होगा टाइप 4 का इसी प्रकार से बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को, फॉर्मूला मैंने लिखा है, फॉर्मूला अभी तक आप लोग को याद भी हो गया होगा, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लेता है, ठीक है, 4 घंटे का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी को धारा की विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की चाल निकालें, मतलब इस बार एक्स आपको नहीं पता है, वाई आपको 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया 4 घंटे और 8 घंटे, मतलब 8 + 4 कर लीजिए और 8 में से 4 को घटा लीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 / कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कटेगा 3 बार में। अब यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, यहाँ से x इज इक्वल टू में कितना निकलेगा, 6 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नाविक की चाल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों हमने काफी आसानी से बना लिया, किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, किस नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 15 किलोमीटर जल प्रभाव के विपरीत जाने तथा लौटने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, कुल टाइम आपसे पूछा गया है, तो कुल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी हो जाएगा जाने और लौटने में, तो डिस्टेंस से हो जाएगा डी बाई एक्स प्लस में वाई, मतलब यहाँ पे दिया हुआ एक्स और वाई, एक्स प्लस में वाई लिख लीजिए, डी बाई एक्स प्लस में वाई, ये वेलोसिटी हो गया, प्लस में डी बाई एक्स माइनस में वाई हो जाएगा, लौटेंगे तो स्पीड घटेगा क्योंकि विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो डी कितना है, 15 किलोमीटर, एक्स प्लस में वाई कितना दिया हुआ है, 7.5 है, 7.5 प्लस में 2.5 दिख जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे, और 15 / 7.5 माइनस में 2.5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे इक्वल टू को सॉल्व करके लिखते हैं, तो 15 / कितना हो जाएगा, 15 / 10 होना चाहिए, प्लस में 15 / कितना हो जाएगा, 5 होना चाहिए, 15 / कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 45/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
टाइम इज इक्वल टू में 45/10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45/10 आ जाएगा, मतलब कि 4.5 आवर, 4.5 आवर ये आपका समय लगने वाला है, ठीक है ना, 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे आपका समय लगेगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और काफी आसान तरीके से हमने बनाया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। एक नाव नदी की धारा के साथ है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने में सिक्स तथा सिक्स सिक्स किलोमीटर आने तथा जाने में कुल 2 घंटा का समय लेती है, आने और जाने में। यदि नदी की गति 4 किलोमीटर है, मतलब पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव की शांत जल में गति बताए। नाव की शांत जल में आपको क्या करना है, गति बताना है, मतलब इस बार आपको एक्स नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि नाव का बोला जा रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह बनेगा। टाइम आपको 2 घंटा दिया हुआ है, इस बार फॉर्मूला मैंने पहले लिखवा दिया था, टाइम आपको 2 घंटा दिया हुआ है। डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 6 किलोमीटर जाने में 6 किलोमीटर आने में, तो एक्स प्लस में कितना स्पीड दिया हुआ है, कुछ स्पीड दिया होगा यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स प्लस में 4 हो जाएगा और प्लस में 6 किलोमीटर, एक्स माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी ऑप्शन में जो वैल्यू दिया है या तो उसको पुट कीजिए, नहीं तो फिर एलसीएम लेके बनाइए। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन को ही पुट कर देते हैं। ऑप्शन में मान लीजिए कि 8 दिया होगा, या सॉल्व कीजिएगा तो काफी लंबा बनेगा, तो पहले ऑप्शन से बनाते हैं। मान लीजिए एक ऑप्शन 8 इसका सही आंसर है, तो 8 प्लस में 4 12 हो जाएगा, और प्लस में 8 माइनस में 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस में 4 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा तो ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेके 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 3, यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 18 लिखेंगे, 24/2 हो जाएगा, 24/12 हो जाएगा, काटिएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू में RHS आ जाएगा। तो ये तो हुआ ऑप्शन से, अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं, स्टेप से बनाना चाहते हैं तो बनाइए, यहाँ सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 6x हो जाएगा, दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको बनाएंगे ऐसे, तो प्लस में 24 हो जाएगा, ये 24 से 24 कट गया, मतलब 12x हो जाएगा। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा आप क्या कीजिए, ऑप्शन से बना लीजिए, 2 सेकंड में बन जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को अभी हमने बना लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा, तो उनको ऑप्शन से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, लिखा गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में पुनः प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है, तो उसे जाने तथा आने में 8 घंटे का समय लगता है, मतलब टाइम दिया हुआ है। यदि धारा एवं नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे उसने धारा की दिशा में कुल कितनी दूरी तय की। तो धारा की दिशा में पूछा गया है, मतलब केवल जाने में पूछा गया है, आने का नहीं पूछा गया है, डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो यहाँ टाइम हो गया 8 घंटा, डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, और यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्स और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 8 प्लस में 2 दिया हुआ है, बोर्ड का जो गति दिया है 2 8 दिया हुआ है, 8 प्लस में 2, यहाँ पे डी इक्वल टू में 8 प्लस में 2, फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को शुरुआत में, उस फॉर्मूले के नोट किया होगा आपने। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है, तो इसको लिख लेते हैं, डी बाई 10 हो जाएगा और डी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब प्लस डी बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और या तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 है इक्वल टू में एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 30 आना चाहिए, तो यहाँ 3D हो जाएगा और यहाँ प्लस में 5D हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, 8D अपॉन में 30 हो जाएगा। अब D का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, D का वैल्यू हो जाएगा 30 किलोमीटर D का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर जाने आने का पूछा जाएगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा 30 को, आने जाने दोनों का हो जाएगा 60 किलोमीटर टोटल पूछा जाएगा, तो 60 किलोमीटर हो जाएगा। अभी केवल आपका आंसर क्या होगा, 30 किलोमीटर, क्योंकि एक दिशा का पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, देखिएगा टाइप 6 है क्वेश्चन नंबर 12। एक आदमी कि शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि उसी उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में और बहाव की विपरीत दिशा में दुगुनी हो जाती है, मतलब यदि उसकी गति
नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से दुगुनी हो जाती है। ठीक है, मतलब वो भी दिया हुआ है, एक दूसरे का दुगुना हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि x प्लस में वाई जो होता है ना वो क्या हो जाता है, x प्लस में वाई जो होता है ना वो क्या हो जाता है, बहाव की विपरीत दिशा के दुगुनी हो जाता है। तो बहाव की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा दोनों का, x माइनस वाई इंटू टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इससे क्या कीजिए, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है कि एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में, ठीक है ना, शांत जल में गति दिया हुआ है, मतलब आपका वाई निकलेगा, एक्स दिया हुआ है, आदमी का दिया हुआ है, आदमी या बोट एक ही चीज होता है। तो 6 प्लस में वाई और यहाँ पे 6 माइनस में वाई इंटू में टू। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 6 प्लस में वाई और यहाँ पे 12 माइनस में 2y, मतलब 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, काटिएगा तो y इक्वल टू में क्या निकलेगा, निकलेगा 2 किलोमीटर पर आवर, क्या निकलेगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो देख सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग टाइप 7, ध्यान से देखिएगा टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यदि एक और कंडीशन यहाँ दिया है, यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटा समय लेकर तय करता है तो धारा का वेग निकाले। तो यहाँ देखिएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है धारा के, 24 किलोमीटर जाता है धारा के विरुद्ध जाता है, मतलब 24/x एक्स माइनस में वाई, ये टाइम निकाले, यू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी क्या होता है, टाइम निकालेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जाता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी जाता है धारा की दिशा में, मतलब x प्लस में y इक्वल टू में यहाँ पे टाइम लग जाएगा 6 आवर। ठीक है, एक और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध बोला गया है, इसके बाद उल्टा कंडीशन लिखा हुआ है कि धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाने में उनको 6.5 घंटे का लगता है समय, 6.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 13/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए 13/2 लिख लीजिए, बस इसको अब क्या कीजिएगा, एक चीज और करना है इसमें, 1/x + y इक्वल टू में यू मान लीजिए और 1/x - y इक्वल टू में भी मान लीजिए। अब u और v यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है ना, u और v यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे u और v, हम लोग के पास स्पेस बहुत कम है दोस्तों, तो यहाँ 24v + 36u, 24v + 36u इक्वल टू में 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 36v + 24u इक्वल टू में 13/2 हो जाएगा। अब इस 2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 2 से जो बटे में 2 है ना, ये जाके क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 36 दुना क्या बन जाएगा, 72 बन जाएगा, और यहाँ 24 दुना क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये चीज़ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे फिर से, 36v + 24u इक्वल टू में 13/2। ठीक है, अभी दिख रहा होगा ये, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 72v + 48u इक्वल टू में 13 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, ये आपको दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहां से हम लोग चेंज करते हैं, यहां से हम लोग जब चेंज करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 24v + 36u इक्वल टू में 6 लिख लेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ पे जब चेंज करेंगे, ये चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जब चेंज करेंगे इस वाले को जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 36v + 24u 24u इक्वल टू में 13/2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको चेंज कीजिए, ये 2 जो है ना ये नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 72v + 24 दुना 48 24 दुना क्या हो जाएगा, 48 u इक्वल टू में 13 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा।
यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहां तक है। अब इसको तीन से गुना करेंगे तो यहाँ भी और भी को इक्वल करना है, तो इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, तीन से गुना करेंगे। इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ पे तीन से गुना कर देंगे तो एक इक्वेशन नंबर पांच बनेगा। ठीक है, मेरे पास जगह बहुत कम है दोस्तों, हम यहाँ चलते हैं। तो पहला इक्वेशन लिखते हैं 72, ठीक है, यहाँ मैंने लाइन खींच दिया 72 भी, ये आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ से दिखेगा 72 भी। ठीक है, 72 भी प्लस में 48 u इक्वल टू में कितना लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है। अब इसको तीन से गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ लिखेगा 24 या 72 भी प्लस में 108, 108 u इक्वल टू में 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो माइनस 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 ये कटेगा, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, और ये भी माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो ये 12 निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो u इक्वल टू में क्या निकल गया, 1/12 निकल जाएगा, u इक्वल टू में 1/12 निकल जाएगा। ठीक है ना, u इक्वल टू में 1/12 निकल जाएगा। अब किसी एक में u का वैल्यू पुट कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे ही पुट कर दीजिए u का वैल्यू और निकाल लीजिए v का वैल्यू। तो मेरे पास स्पेस दोस्तों बहुत कम है, क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत लंबा बना दिया, इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा, अगले क्वेश्चन को बताऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है तो मैं थोड़ा सा इससे चीज को ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, ऊपर खींच के ले जाता हूँ, तो स्पेस बन जाएगा हमारे लिए। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो भी आपको आसान लगता है। तो हम जो पहले इक्वेशन नंबर 3 माने थे उसी में पुट करते हैं, तो 24 से भी प्लस में 36 से बाई 12, क्योंकि यू का वैल्यू है 1/12 इक्वल टू में 6, 12 तो 36 हो जाएगा, ये 3 जाके घटेगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 24 से भी इक्वल टू में 3 हो जाएगा। अब 3 8 मतलब v का वैल्यू हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, u और v का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग ये देखे हैं कि u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 1/12, तो यहाँ 1/12 इसके इक्वल हो जाएगा, और v का वैल्यू है कितना है, 1/8। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 1/12 1/8, तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा, उसी तरह x माइनस वाई इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू में जब प्लस करेंगे तो इन दोनों को प्लस कीजिएगा तो 20/10 हो जाएगा, और y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं x और y दोनों निकल गया, और यही फाइनली आपको निकालना था। तो धारा की वेग क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों लंबा है, बट एक क्वेश्चन आपको हार्ड दिया जाएगा एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को इतना मुश्किल नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपको पहली बार मैं बता रहा था इसलिए मुश्किल बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को कितना आसान हम लोग करने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, देखिएगा, एक नाव 48 किलोमीटर की दूरी नदी के बहाव की दिशा में जाने तथा उतना ही दूरी वापस लौटने में 14 घंटे का समय लेती है, मतलब 48 किलोमीटर के बारे में बात किया जा रहा है। यदि नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर की दूरी जाती है उतने ही समय में नदी के बहाव की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाती है, मतलब एक्स और वाई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स नहीं यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, तो नदी की चाल निकाले, मतलब इस बार भी आपको y निकालना है और पिछले बार भी आपको y निकालना था। तो यहाँ देखिएगा हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी या u लिखेंगे, तो यहाँ प्लस है ना, पहले 7 है, इसको मैं दिखा देता हूँ, x प्लस वाई नदी के 7 है पहले लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा, 48 किलोमीटर की दूरी बहाव की दिशा, मतलब एक्स ये हो जाएगा प्लस में 48 बाई बहाव के अपोजिट लिखा हुआ है, एक्स माइनस में वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, कितना लगता है टोटल टाइम, 14 आवर लगता है। ठीक है, इसको अब हम लोग हटा देते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या माने थे, यू माने थे प्लस वाले को, और माइनस वाले को क्या माने थे, भी। अब डायरेक्ट एग्जाम में यही काम कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या माने, हम लोग को शॉर्ट में बनाना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि यदि नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है, मतलब 4 यू हो जाएगा। ठीक है ना, बहाव की दिशा में जाती है 4 यू, और यहाँ पे जाती है, यदि नाव नदी के बहाव की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में, मतलब दोनों कंडीशन में टाइम इक्वल है,
दोनों कंडीशन में चाहे टाइम इक्वल है, मैं डिटेल में आपको बना के दिखाता हूँ। 4x डिस्टेंस अपॉन में टाइम मतलब दिशा, बहाव के दिशा में जाने में, और यहाँ 3 घंटे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 घंटे लिखा हुआ है, या 3 किलोमीटर उतना ही समय लगता है, मतलब 4 किलोमीटर जाए या 3 किलोमीटर जाए, दोनों कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ x माइनस वाई, अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 4u हो जाएगा इक्वल टू में 3v हो जाएगा, 4u और 3v बन जाएगा। अगर हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे तो 4u माइनस में 3v इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, 4u इक्वल टू में 4v। यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इन दोनों को अगर हम लोग क्या करें, इन दोनों को 48 बनाना है तो 12 से गुना कर देते हैं ना, 12 से गुना कर देंगे तो 48u इक्वल टू में 36b हो जाएगा। थोड़ा काम और भी आसान हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये बन जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, 48u की जगह पे 36b को पुट करेंगे, 36b प्लस में 48b इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड कीजिए तो 36 से ऐड कीजिएगा तो 84 होना चाहिए, तो 84 भी इक्वल टू में 14 हो जाएगा। अब 14 6 के क्या होता है, 84, मतलब भी इक्वल टू में 1/6 हो जाएगा, वी इक्वल टू में 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वी इक्वल टू में 1/6 है। अब इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दीजिए तो 48 से 48, 48 क्या लिखा हुआ है, 48u इक्वल टू में 36v, 36v। अब v की जगह पे क्या है, 1/6, मल्टीप्लाई में 1/6 लिख लीजिए, v की जगह पे 6 बार में कटेगा ये 12 बार में, तो u इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/12। इसका मतलब क्या निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू में 12 निकल गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू में 6 निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 12, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू में 6 प्लस में 12, 18/2 मतलब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और y निकालेंगे, y भी हम लोग को निकालना है तो 12 में से 6 को घटाइएगा तो 6/2 आ जाएगा, और ये कितना निकल जाएगा, 3। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसानी से बनाया, कितना पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तभी ये क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे, क्योंकि हमने इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया, स्टेप को ही गायब कर दिया, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान है और कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिएगा टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 15। आप लोग क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइप 8 में, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 10 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाता है तथा एवं धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगाता है, तो धारा की चाल निकालना है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 घंटे का समय लगाता है, मतलब टाइम दिया हुआ है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में एक्स हो जाएगा, और यहाँ डिस्टेंस अपॉन में वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 10 घंटे में धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी, मतलब धारा के दिशा में जा रहा है तो वहां पे एक्स मानेंगे, एवं धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की यात्रा करता है तो यहाँ पे धारा के विरुद्ध है तो यहाँ पे वाई मान लिए, ठीक है, सीधा मान लिए। उसके बाद पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी एवं धारा के दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो 10 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 30 बटे में x हो जाएगा, ठीक है 30 बटे में x हो जाएगा प्लस में 44 बटे में y हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे कंडीशन में 13 इज इक्वल टू में 40 बटे में x, पुनः धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी 40 बटे में x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में
चालीस बटे में एक्स प्लस में पचपन बटे में वाई हो जाएगा, पचपन बटे में वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चालीस बटे में एक्स हो जाएगा, पचपन बटे में वाई हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और वन बाई एक्स को यू मान लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, वन बाई एक्स को क्या करेंगे यू मानेंगे, वन बाई वाई को क्या करेंगे वी मानेंगे। ठीक है, ये दोनों मानो मानिए, इसमें पुट कीजिए। तो यहाँ पे तीस से यू प्लस में चवालीस बी इक्वल टू में दस हो जाएगा, और यहाँ पे भी मानेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चालीस यू, चालीस यू प्लस में पचपन वी वाई इक्वल टू में तेरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया, धारा की चाल को क्या किया हमने, धारा की चाल को हमने निकालना है, मतलब धारा की चाल हम लोग निकालेंगे कि धारा की चाल क्या आएगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, एक्स और वाई भी आप लोग को समझ में आ गया। एक्स हमने क्या माना है, ध्यान दीजिएगा, धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल। एक्स हमने क्या माना है, धारा की विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल, और वाई हमने क्या माना है, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल वाई माना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्स मान लिया और आगे वाई जो माना है धारा की दिशा में, विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ हमने वाई मान लिया। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमने पुट किया है, तो आप लोग देख लीजिए, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो मैं सीधा सॉल्व करके लिख देता हूँ। अभी सॉल्व करना आप लोग को बताया था, किसी एक को एलिमिनेट कर लिया जाता है, तो यू इक्वल टू में क्या आ जाएगा, वन बाई फाइव आ गया, और वी इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, वी इक्वल टू में वन बाई ग्यारह आ जाएगा, वी इक्वल टू में वन बाई ग्यारह आ जाएगा। तो यू और वी पता चल गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू में ग्यारह निकल, एक्स इज इक्वल टू में क्या निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में पांच निकलेगा, एक्स इज इक्वल टू में पांच निकलेगा, वाई इक्वल टू में ग्यारह हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भी आपने डायरेक्ट किया। अब हम लोग को क्या करना है, धारा की चाल निकालना है, मतलब बहाव की चाल, स्ट्रीम की चाल निकालना है। तो वो क्या होता है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, ये उल्टा हमने मान लिया है, हम लोग को यहाँ पे x मानना था, यहाँ पे y मानना था, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा, मतलब s इज इक्वल टू में 11 माइनस में 5 बाई 2 हो जाएगा, 6 बाई 2 कितना होता है, धारा की चाल कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बट ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 15 को मैं हटा देता हूं, 16 को देखिएगा, 16 में क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। 16 में पूछा गया कि एक झील में एक कमल का फूल पानी के सतह से 5 मीटर ऊपर है, तेज हवा चलने के कारण वह अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर डूब जाता है, फूल के स्थान पर पानी की गहराई निकालिए, जहां पे फूल है ना वहां पे पानी की गहराई निकालना है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में पानी की सतह पहले बनाते हैं, पानी की सतह ये बन गया, अब फूल जो है ना 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ऊंचा है फूल। ठीक है, यहाँ तक लिखा हुआ है, पानी 5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है फूल, तेज हवा चलने के कारण वह अपने स्थान से 10 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कहीं चला गया, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तेज हवा चला तो ये डिस्टेंस को कवर किया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को। अब मान लीजिए कि पानी तो गहरा यहाँ तक है, पानी गहरा कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, तो ऐसे करके ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा, कैसे क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेगा। अब यहाँ देखिएगा 10 सेंटीमीटर दूर चला जाता है, तो फूल के स्थान पर पानी की गहराई क्या होगी, तो यहाँ आपको पानी की गहराई निकालना है, मतलब ये वाला गहराई निकालना है। ठीक है, तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका x प्लस में 5 हो जाएगा, मतलब ये प्लस में ये इक्वल टू में ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम अपनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो एच का वैल्यू दिया है एक्स प्लस 5 द होल स्क्वायर, पी का वैल्यू दिया हुआ है मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, मतलब 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 25 हो जाएगा प्लस में यहाँ 2ab, मतलब 10x हो जाएगा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर पहले से दिया है और यहाँ पे 100 हो जाएगा।
ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग लिखे 10x इज इक्वल टू में 75, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। मतलब जो गहराई है ना वो 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम के, नाव और धारा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिया इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे फुल कोर्स को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम के लिए जो हमारा कोर्स है वो पॉइंट टू पॉइंट है और बिल्कुल फ्री है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने टाइप वाइज और कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने सभी टॉपिक को करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।